अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, आज इंशाल्लाह आपके साथ जो है हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। एक्चुअली है क्या हमारे पास, जब आप एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक होता है सेक्शन फार्मूला। हम क्या करेंगे, ये जो आपकी वीडियो सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट कि जो आपका चैप्टर है या जो आपकी एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपको क्या आना चाहिए, या आप कहिए कि फार्मूला किस फार्मूले पे बेस्ड है, और अगर उसका डेरिवेशन चाहिए या कभी एग्ज़ाम में आता है तो उस कॉन्सेप्ट का, फार्मूले का डेरिवेशन भी हम करेंगे कि उसका प्रूफ कहाँ से है, अगर हम कर सकते हैं तो प्रूफ भी देखेंगे, और फिर उस चैप्टर में या उस एक्सरसाइज में कितने डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हम ये भी देखें। तो हमारे पास क्या है, अगर हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेक्शन फार्मूला एंड व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले तो आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज 7.1 आती है और उसके साथ साथ आपको जो है ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th का पार्ट भी पढ़ा, मतलब बेसिक आपको आता है। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द सेक्शन फार्मूला, इंटरसेक्शन फार्मूला ऑफ द एक्सरसाइज 7.2। एक्चुअली क्या है, सपोज वी हैव ए लाइन सेगमेंट and there are two end points, a line segment joining by two points are given. Suppose two points are, one is A, the coordinates are x1 and y1. There is another point B, coordinates are x2, y2. तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से मिल के बना हुआ है। दो पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हमारे पास क्या आता है कि सपोज़ करो यहाँ पे एक और पॉइंट है, सपोज़ दैट इज़ C, एंड आपसे क्या कह रहा है कि C डिवाइड्स AB इनटू, ठीक है, m1:m2 रेशियो। ये हमारे पास है सेक्शन, ये डिवाइड कर रहा है, काट रहा है इसको, m1:m2 रेशियो में ये C डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करो ये पार्ट जो हो गया बेटे, दिस पार्ट इज m1 एंड दिस पार्ट इज m2। तो हमसे क्या कहता है, एक पॉइंट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1 m2, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, उनकी क्या वैल्यू होती है, ये है सेक्शन फार्मूला। तो पहले तो फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। एक्चुअली जो x होता है, वो x होता है, ध्यान से देख लीजिए, इस m1 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस इस m2 को यहाँ x1 में मल्टीप्लाई करिए, x1 में, सो m2 x1 अपॉन इन दोनों का सम m1 प्लस m2। तो दैट इज़ अवर सेक्शन फार्मूला। द होल एक्सरसाइज 7.2 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी इज़ टोटली डिपेंड ऑन दिस फार्मूला। आप अगर ध्यान से देख लीजिए, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्स फाइंड कर रहे हैं तो आप यूज़ भी एक्स कोऑर्डिनेट ही यूज़ कर रहे हैं इन ऑल थ्री पॉइंट्स। मुझे ये एक्स निकालना है तो मैंने ये x2 और x1 को यूज़ किया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक दो क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप फीड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नाउ सपोज़ करो अगर मुझे y चाहिए बेटे, अभी से फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला है क्या और उसको याद करने की कोशिश कैसे करते हैं, फिर ड्राइव भी करेंगे। तो हमारे पास क्या है, y क्या होता है, अगर मुझे y चाहिए तो अब आप y को कंसिडर करिए, ये y2 है, ये y1 है। तो अब आप क्या करिए बेटे, अब आप इनको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ करिए, मतलब m1 y2। तो अगर मुझे y चाहिए, y कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट, तो m1 y2
प्लस नाउ m2 को यहाँ y1 के साथ m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज m1 m प्लस m2 तो नीचे दोनों में है। अगर मुझे x चाहिए तो मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और y चाहिए तो y से। m1 को राइट साइड, m2 को लेफ्ट साइड, मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट है रेशो है इधर है, लेकिन इसको इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है और ये रेशो है इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, समझ में आ गया आपको। हमारे पास सेक्स, फिर दोबारा से देख लीजिए, देयर आर टू पॉइंट्स ए बी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय दीज टू पॉइंट्स ए बी, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है सी, और सी इन ए बी को एम वन एम टू रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स वाई। तो व्हाट इज़ एक्स, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एंड व्हाट इज़ वाई, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसकी छोटी सी एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। सपोज करो हमारे पास क्या है, जिससे कि आप इसको यूज़ भी करें, सपोज करो हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट है ए टू थ्री, और ये हमारे पास एक पॉइंट है बी फाइव सेवन। तो देर इज़ ए लाइन सेगमेंट ए बी, इज ए पॉइंट बी पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। सी डिवाइड्स ए बी इंटू टू इज टू थ्री रेशो, तो ये पार्ट टू है, ये पार्ट थ्री। तो अब आप ध्यान से देखिए, जब अगर मुझे x निकालना है तो ये मेरा m1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ, जब x फाइंड करना है तो सिर्फ x को कंसिडर करिए, तो ये 3 को इधर x के साथ, तो 2 इंटू फाइव प्लस 3 इंटू टू अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, दैट इज़ द सिंपल एप्लीकेशन। आप सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 16 अपॉन 5, तो जो भी आ जाए डरना नहीं है, फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, इंटीजर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। y क्या है हमारा, अब y अगर मुझे चाहिए तो अब मुझे y से मल्टीप्लाई करना है इनको, तो बस यही थोड़ा सा, 2 7 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 14 9 23 बाई 5। तो आप कह सकते हो C विल बी 16 by 5, 23 by 5। तो दैट इज़ अवर सेक्शन फार्मूला एंड दैट इज़ हाउ टू यूज़, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, कैसे आप इससे फार्मूले से, अगर आपको रेशो दिया हुआ है, टू पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप थर्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका ये देखते हैं डेरिवेशन कैसे आता है, और फिर इस पर भी इस कितने तरह के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ होगी, एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास कितने वीडियोस आएंगे, 7.1 में कितने, तो पूरा आपको एक डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।